आज के समय में डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसी को देखते हुए ही कई बड़ी बड़ी कंपनियों को ये समझ आ गया है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। इसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बारे में। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि टेस्ला कार्स में क्या क्या फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरी इलेक्ट्रिक कार से अलग बनाते हैं। टेस्ला ने अभी तक कौन कौन से मॉडल लॉन्च किए हैं, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। टेस्ला एक अमेरिकी कार एवं स्वच्छ ऊर्जा निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में मार्टिन एवरहार्ड एवं मार्क टेनपिनन ने सैन कार्लोस कैलिफोर्निया यूएसए में की थी। वर्तमान में टेस्ला का मुख्यालय पालो अल्टो कैलिफोर्निया में स्थित है। फरवरी 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला में 6.4 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग की थी, जिससे वह भी कंपनी के सह संस्थापक बन गए थे। अक्टूबर 2008 से लेकर अब तक एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के 20% से भी अधिक शेयर होल्डर हैं, जो कि किसी और की तुलना में सबसे अधिक है। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सोलर रूफ टाइल, बैटरी एवं सोलर पैनल आदि का भी निर्माण करता है। अब तक कंपनी ने मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3, मॉडल वाई, सेमी ट्रक, टेस्ला पिकअप ट्रक एवं टेस्ला रोडस्टर लॉन्च किया है, जिसमें से टेस्ला के मॉडल 3 ने साल 2020 तक वर्ल्ड वाइड 5 लाख से भी अधिक कारों की सेल की है, जो कि किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से कहीं अधिक है। आज दुनिया में कई बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं, लेकिन टेस्ला ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस में सबसे आगे हैं, जिसके कई कारण हैं। टेस्ला मार्केट में सबसे नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जानी जाती है। टेस्ला का रिसर्च एवं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से टेस्ला नई नई टेक्नोलॉजी खोज पाती है। बहुत सारी कंपनी टेस्ला के द्वारा बनाई हुई टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करती हैं। टेस्ला ही वो पहली कंपनी है जिसने सबसे पहले अपनी कारों में सेल्फ ड्राइविंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। टेस्ला अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देता है। आप सर्विस सेंटर नहीं जा सकते तो टेस्ला की रेंजर सर्विस के एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आकर कार ले जाएंगे, साथ ही आपको यूज़ करने के लिए दूसरी कार भी दे जाएंगे। टेस्ला के खुद के चार्जिंग स्टेशन है जहाँ टेस्ला कारों को फ्री में चार्ज किया जाता है। टेस्ला एक बहुत मजबूत ब्रांड है। इसके सीईओ एलन मस्क दुनिया में बहुत लोकप्रिय एंटरप्रेन्योर हैं। अगर हम बात करें टेस्ला के फीचर्स की तो यह एक अलग ही लेवल के हैं। टेस्ला कार की सबसे खास बात यह है कि इसके दरवाजे खोलने के लिए आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपके कार के पास आते ही ऑटोमेटिक। टेस्ला मॉडल एस सिर्फ 1.2 सेकंड में ही 100 किलोमीटर आर की स्पीड पकड़ सकता है। टेस्ला कार 40 मिनट में 80% और 75 मिनट 100% चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज होने पर यह 350 से 450 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसका इंजन किसी अन्य कार की तुलना में एक तिहाई होता है, जिसके कारण कार में काफ़ी जगह भी हो जाती है। टेस्ला कार्स के निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक, बैटरी चार्जर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सेल्स और मार्केटिंग टेस्ला कंपनी स्वयं करती है। अपने सभी कार्यों को सही तरह से करने के लिए एवं अपने व्यवसाय को और अधिक सफलतापूर्वक चलाने के लिए कंपनी ने 6 और कंपनियों को खरीद लिया है, जिससे वह और अधिक अच्छे से कार्स का निर्माण कर सकें। टेस्ला ने साल 2016 में सोलर सिटी को 2.6 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लिया था, जो कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का निर्माण करती है। इसके अलावा भी कंपनी ने डीप स्केल, मैक्सवेल टेक्नोलॉजीज, फेयरबैक्स, ग्रामन इंजीनियर्स, रेवियर टोल LLC को खरीद लिया है। आज टेस्ला की मार्केट कैप 657 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। टेस्ला ने अपना IPO 28 जून 2010 को लॉन्च किया था। उस समय टेस्ला के शेयर प्राइस $17 पर खुले थे, जो कि $23 पर बंद हुए थे। टेस्ला ने अपने IPO में 226 मिलियन यूएस डॉलर जुटा लिए थे। आज टेस्ला की शेयर प्राइस $684 से भी अधिक है। टेस्ला में आज 7,000 से भी अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं। टेस्ला डायरेक्ट सेलिंग के तरीके का उपयोग कर रहा है, जिसमें वह अपनी कंपनी के वाहनों को कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। कंपनी का एक ऑनलाइन स्टोर भी है, जिससे अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ जानकारी लेनी है तो आप यहां से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साल 2019 में टेस्ला की वर्ल्ड वाइड सेल 24 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक थी, जिसमें उसे 862 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। वहीं साल 2020 में टेस्ला की वर्ल्ड वाइड सेल्स 31 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक थी, जिसमें से उसे 721 मिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट हुआ था। ये पहली बार है जब टेस्ला ने किसी साल में प्रॉफिट कमाया है। इससे पहले टेस्ला को सिर्फ क्वार्टरली ही प्रॉफिट होता था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो कमेंट करें।